हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मॉम्स किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन करी। तो बहुत ही जल्द बन जाएगी क्योंकि हम लोग बनाएंगे कुकर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ली हूँ 750 ग्राम चिकन, जिसको धो के रखी हूँ यहाँ पर। और इसमें अब डाली हल्दी पाउडर, थोड़ी सी जीरा पाउडर छोटी चम्मच से, और एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर मैं डाली नींबू, थोड़ी सी नींबू का रस 4-5 बूंद जितना। तो ये सबको हम लोग कर लेंगे मिक्स। तो इसको मैरिनेट होने के लिए रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 बड़ा साइज का प्याज कट करके रखी हूँ छोटा छोटा पीस में। अब यहाँ पर मैं 2 टमाटर को कर ली हूँ पेस्ट, और यहाँ पर है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का ही पेस्ट में मैं डाली हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पर मैं ली हूँ थोड़ी सी खड़ा मसाला, 2 इलायची है, 2 लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी। तो बस इतना सामग्री चाहिए हमको चिकन करी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर तेल पानी भी की हूँ साइड में ऐड, ताकि आप देख सके। तो मैं यहाँ पर कुकर ली हूँ, कुकर में 2 बड़ा चम्मच डाली हूँ ऑयल, और पहले ये डाल दी हूँ खड़ा मसाला को। अब मैं डाली इसमें प्याज, और प्याज को सुनहरा होने तक भूनेंगे। तो बस अब मैं डाली मसाला, अदरक लहसुन के पेस्ट और सूखा मसाला और थोड़ी सी पानी। अब थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। तो मैं ढककर कर रही हूँ ताकि प्याज गल जाए। तो ये देखिए इसका कलर ऐसा हुआ है अभी। अब मैं इसमें डाल दी हूँ टमाटर, टमाटर का प्यूरी। तो इसको भी पकाऊंगी 10 मिनट तक, जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक। अब मैं इसमें डालूँ नमक स्वादानुसार। नमक हम लोग यहाँ पर ध्यान से डालेंगे क्योंकि हम लोग पहले भी डाले थे नमक चिकन में। तो मसाला हो चुकी है भून के रेडी। तो इसमें अब मैं डाल दी हूँ चिकन को। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें पकाएंगे इसको 10 मिनट तक। तो ये पक चुकी थी, तो मैं इसमें डाल दी हूँ 1/2 गिलास जितना पानी। अब इसका कुकर का ढक्कन कर दी हूँ बंद, और इसको पकाएंगे 2 सीटी आने तक। तो बस 2 सीटी आ चुकी थी, तो मैं कुकर कर दी थी ऑफ गैस को। अब मैं यहाँ पर ली हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, 3-4 मिर्ची, हरा मिर्ची वो कर ली थी कट, और थोड़ी सी ली थी गरम मसाला, और थोड़ी सी 1 बड़ा चम्मच बटर। तो कुकर हो चुकी थी ठंडी। तो ये देख सकते हैं आप इसका कलर कितना सुंदर आया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी बटर को, और इसके बाद गरम मसाला, और ये मिर्ची, और ये कसूरी मेथी को भी।
ये सब को अच्छे से मिक्स करके अब कुकर के ढक्कन को मैं कर दूंगी बंद बिना गैस ऑन किए। तो बस 5 मिनट के बाद मैं कर ली थी, फिर से ढक्कन को मैं खोल दी थी। तो मैं बस निकाल ली हूँ एक थाली में। अगर आज की आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।